तो भैया यार हम आए हैं ना आज यहाँ विष्णु भाई के दर्शन करें। और यह बात बताई है ना कि यह जो हमारे कटरा से ऊपर दर्शन यहाँ करें जा रहे हैं ओकर जो दूरी ही लगभग 7 से 8 किलोमीटर की। मिल जाए जिसे माता रानी का आशीर्वाद वो तो धन ही हो जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने जीवन को परमार्थ करने माँ वैष्णो की पावन धरा कटरा की ओर। माँ वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए आप सबसे पहले जम्मू रेलवे स्टेशन या फिर डायरेक्ट कटरा रेलवे स्टेशन पर भी जा सकते हैं। तो कटरा रेलवे स्टेशन जाने के बाद आप यहाँ यदि शाम को पहुँचते हैं तो या तो आप होटल लेकर रात गुजार सकते हैं, यहाँ पर आपको 400 से 1000 तक के होटल आसानी से मिल जाएंगे। और यदि आपका बजट कम है तो आप रेलवे स्टेशन पर भी सो सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मॉर्निंग में यात्रा पर्ची बनवाना है और कटरा से ऑटो लेकर बाणगंगा तक जाना है। अब बाणगंगा से भवन यानी भवन वैष्णो देवी मंदिर को ही भवन कहा जाता है। बाणगंगा से भवन की दूरी 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी आपको। दोस्तों यदि आप पैदल यात्रा करने में असमर्थ हैं तो आप घोड़े या खच्चरों में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी खूबसूरत दुकानों को सजाई गई है। यहाँ पर आप अपनी तस्वीरें निकलवा भी सकते हैं और साथ ही माता रानी की कुछ तस्वीरें खरीद भी सकते हैं। तरह तरह के सजावट बनाए गए हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए। यहाँ पर किराने दुकान और चश्मे उसमे हर चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ आपके लिए गरम गरम रोटियां सेकी जा रही है या पूड़ियां। और यात्रीगण इतने थके हारे हैं फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है। या भाई बहने और ये दादा लोग चलते ही जा रहे हैं। और माता का तो हाल ही मत पूछे, घोड़े खच्चर और कंधे पर बैठकर बहुत सारे दार्शनिक लोग यहाँ आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हार मानने को बस नहीं करते। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे भी हम आपको दिखाएंगे। इतनी खूबसूरती है यहाँ, आने से तो आत्मा तृप्त हो जाती है। यहाँ से देखिए कितनी ऊंचाई से आपको हम दिखा रहे हैं व्यू, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो दोस्तों अब बाणगंगा में स्नान करके आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमें बाणगंगा से अधकुवारी की ओर पहुंचना है। अधकुवारी पहुंचने पर यहां पर माताजी ने 9 महीने तक गुफा में बिताए थे। आप यहां का दर्शन अवश्य करें। यहां पर दर्शन करने के लिए आपको टोकन लेना होगा, उसमें आपको टाइम दिया जाएगा। यदि भीड़ कम है तो 4 से 5 घंटे में आपको दर्शन मिल जाएंगे, लेकिन यदि पीक सीजन है तो आपको यहाँ 12 से 14 घंटे भी लग सकते हैं। तो आप यहाँ पर स्टे कर लें और यहाँ से आप ब्लैंकेट ले सकते हैं। 100 रुपये का कॉस्ट आएगा, 100 रुपये लेंगे आपसे, लेकिन आप जब ब्लैंकेट वापस करेंगे तो आपको लौटा दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप रुक सकते हैं, यहाँ पर होटल दिए गए हैं तो यहाँ पर आप रुक जाएं। एक रात का स्टे करके सेकंड डे आप दर्शन करें अधकुवारी माँ गुफा का। अब आगे की ओर चलते हैं भवन की ओर। मान ली देख ली कि इतना हम दोनों के साथ कंडीशन है कि हैं ठीक है, ठाक पत्ती टूरा टूरा सब हालत बिगड़ गया है, पर एक ही बात हाँ फिर राम दे के भाई इसका साउथ है, है? तो ये तो मान ली ठीक है ठाक है, पर आगे अपना पंचा मेरे साथ बने रही, हम लास्ट तक अपना का दिखाऊ अपना देखा। अब दोस्तों भवन पहुंचने के बाद
भवन पहुंचने के बाद दर्शन के लिए आपको लाइन पर लगना पड़ेगा और जय माता दी बोलते हुए आप माता रानी के दर्शन कीजिए लाइन में लगकर। माता रानी के दर्शन के बाद चलिए दोस्तों चलते हैं भैरवनाथ जी के दर्शन करने। ये है भैरवनाथ जी का मंदिर। ना भैया आ रहा है, हम पहुंच गए हैं, कौन जगह में आए गए हैं, हमका समझ में नहीं आया। भैरव बाबा मतलब कि हम आए गए हैं अबे वैष्णो देवी के दर्शन करके, भैरव बाबा के दर्शन करे आए हैं और यहाँ के नजारा अपना पंचे देखी की रामदेव कैसा देखा था कि चारों तरफ एकदम अधियार है अधियार दिखा रहा है। यह देखिए अपना पंचन काम दिखाई थे, यह कंडीशन है भैरव बाबा का मंदिर कहा ना भैरव। हाँ हरा भैरव बाबा का मंदिर है और हो सके तो अंदर अगर कैमरा जाए तो सुविधा हो, अपना पंचन का दिखाओ जरूर भैरव बाबा की मूर्ति। और अबे हम आए गए हैं वैष्णो देवी से ऊपर। पौराणिक कथाओं के अनुसार और मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भैरवनाथ जी के दर्शन के बिना माता रानी की यात्रा अधूरी मानी जाती है, इसलिए भैरवनाथ जी के दर्शन करना तो अति आवश्यक है। दोस्तों भवन से महज 2 किलोमीटर की चढ़ाई करके आप भैरवनाथ मंदिर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों ये भैरवनाथ जी के मंदिर के आप दर्शन कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए।